प्रदेश में जाति की राजनीति अत्यधिक हावी ना हो, लेकिन यहाँ की राजनीति में जाति के प्रभाव से इनकार नहीं किया जा सकता। छोटे से पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो यहाँ अब तक कुल 7 सीएम में से 6 सीएम राजपूत समुदाय से ही संबंध रखने वाले हैं। वर्तमान में भी सीएम के पद पर विराजमान सुखविंदर सिंह सुक्खू राजपूत समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक शांता कुमार के रूप में प्रदेश को गैर राजपूत सीएम मिला था। शांता कुमार ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम रहे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल, जयराम ठाकुर और मौजूदा सीएम सुखविंदर सिंह राजपूत समुदाय से ही संबंध रखते हैं। करीब 75 लाख की आबादी वाले हिमाचल प्रदेश में राजपूत समुदाय ने ही राज किया है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सिख समुदाय तो चुनकर पहुँचे, लेकिन आज तक कभी कोई मुस्लिम विधानसभा नहीं पहुँच सका। वर्ष 1998 में बीजेपी सरकार के वक्त सिख समुदाय से संबंध रखने वाले नारायण सिंह सैनी मंत्री भी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। इनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अन्य सीट सामान्य वर्ग के लिए हैं। इसमें किसी भी जाति से संबंध रखने वाला नागरिक चुनाव लड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट में से 1 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, जबकि अन्य 3 सीट सामान्य वर्ग के लिए है। प्रदेश में शिमला संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। हिमाचल प्रदेश के लोकसभा चुनकर जाने वाले सदस्य में भी राजपूत समुदाय का ही दबदबा रहा है। इसमें मंडी से वीरभद्र सिंह, प्रतिभा सिंह और महेश्वर सिंह प्रमुख नाम हैं। इसके अलावा ब्राह्मण समुदाय से पंडित सुखराम और रामस्वरूप शर्मा बड़े 2 नाम हैं। जयराम ठाकुर भी मंडी जिला के बड़े राजपूत समुदाय से संबंध रखते हैं। हमीरपुर सीट पर भी राजपूत समुदाय का ही कब्जा है। यहाँ प्रेम कुमार धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर 2 बड़े नाम हैं। कांगड़ा सीट से शांता कुमार ब्राह्मण नेता के रूप में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। इसी सीट से मौजूद सांसद किशन कपूर गद्दी समुदाय से संबंध रखते हैं। कांगड़ा सीट से ओबीसी वर्ग से संबंध रखने वाले चंद्र कुमार भी सांसद रह चुके हैं। वे सुक्खू सरकार में मंत्री भी हैं। हिमाचल प्रदेश के मौजूदा कैबिनेट पर नजर डाली जाए तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू राजपूत और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह और अनिरुद्ध सिंह राजपूत समुदाय के हैं। प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल अनुसूचित जाति और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में मौजूदा वक्त में 62 सदस्य हैं। इनमें से 28 राजपूत हैं। कुल 68 विधानसभा क्षेत्र वाली हिमाचल विधानसभा में फरवरी महीने तक राजपूत विधायकों की संख्या 29 थी।